तो वराइटिया का प्लांट है जिसमें अब ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है और ब्रांच इधर उधर हो रखी है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी ब्रांच हमने रखी थी और न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से थोड़ी लीफ भी इतने ग्रीन नहीं नजर आ रहे हैं। बट यहाँ देखिए दोस्तों, कलियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ये छोटी छोटी कलियाँ, तो कुछ ही दिनों में उसमें फ्लावरिंग आने लगेगी। तो यहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा जो शूट्स हैं वो हटाएंगे, उसका टॉप सॉइल हमें चेंज कर देना पड़ेगा और ब्रांच में फिर से वहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ये तो फ्लेक्सिबल हो गया है, तो आप जैसे चाहो वैसे उसको कहीं भी मोड़ सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया होगा क्योंकि एक बार इसकी टहनी मुड़ चुकी है और फिर से मोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ ही दिनों में यहाँ फ्लावर से भर जाएगा ये प्लांट, तो इसके लिए उसको हम बूस्ट करेंगे उसको। मुझे लगता था ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, पर इसने ग्रोथ पकड़ लिया। यहाँ हमने एक रूल के हिसाब से उसको ट्रेन किया था कि जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न लेना, ब्रांचे कोई ट्रिमिंग वगैरह नहीं किया था। तो ये देखिए, यहाँ टच करते ही जैसे प्लांट में उसके शेप में अंतर आ जाता है दोस्तों, प्लांट शेप में दिखने लगता है। चाहे कितनी भी ब्रांच हो या कम ब्रांच हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रांच कैसे प्लेस करते हैं इस पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए पूरी एक तरह से ब्रांच इधर उधर हो रखी है, तो उसको केवल प्लेस करना है और ये अपने शेप में आ जाएगा। यहाँ तो अनवायर भी किया हुआ है तो फिर से करना पड़ सकता है, बट यहाँ जो ब्रांच आती है इसी उसको हमें इस तरह मसल के रख देना है, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट की वेस्ट ना हो दोस्तों। यहाँ किसी चीज से हम कोई वर्क नहीं कर सकते इतना अच्छी तरीके से, अपने हाथों को ही काम में लाना है, इस तरह सब निकाल देना है जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो सब। तो एक साथ पूरे प्लांट में ग्रोथ नजर आने लगा है। यहाँ देखिए फ्लावर ही फ्लावर आने वाले हैं, तो देखते हैं कुछ ही दिनों में यहाँ फ्लावर से भर जाना चाहिए प्लांट। तो उसको और ज्यादा बूस्ट करने के लिए हमें इसको नई सोइल देनी होगी। और यहाँ भी एक नई डिस्कवरी हुई है एक प्लांट की, उनाई के जंगल से लाया था, पीले उससे आते हैं फ्लावर, वो देखिए इस तरह झूल रहा है ये, और कई दिनों से है ये, सूख भी गया है बट ये बना रहा है तो अच्छी बात है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए चल सकता है ऐसा मुझे लगा। ये वाइल्ड वेराइटी है दोस्तों, ये वाइल्ड है पूरी तरीके से। जो मैंने मॉस लगाई थी इस पे, वहाँ से ये पनपा है और पूरी तरीके से ये उसने ये वेदर एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ मैं उसकी टॉप सॉइल निकालूंगा तो ये कुछ प्लांट भी निकल जाएंगे, ये उसके सीड से ग्रो हुए हैं तो कुछ दूसरे पॉट्स में हैं, तो उसको भी मैं कल्टीवेट करने की कोशिश करूँगा। अभी तो इसको निकाल देना पड़ेगा क्योंकि प्लांट को जितना ज़्यादा हो सके इतना हम न्यूट्रिएंट देने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा नया टूल जो कि हमने अभी अभी डेवलप किया है या डिस्कवर किया है, तो जो बेकार सी पड़ी चीज़ होती है उसी में से हम कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेते हैं। तो ये हैबिट आपको भी होनी चाहिए और हो ही जाती है अगर आप किसी आर्ट के साथ जुड़े हैं तो। तो उसको पूरी तरीके से मैं रिपोर्टिंग तो नहीं करना चाहता, तो इस तरह सब वीड्स निकल रहा हूँ और टॉप सॉइल पूरी तरीके से हम निकाल देंगे और एक दो वीड्स रखेंगे जिससे यहाँ उसकी ब्यूटी भी बनी रहे दोस्तों। मुझे ये वीड्स ज़्यादा पसंद आया इस बार, तो उसको तो मैं नहीं निकालने वाला, पर कुछ टॉप सॉइल निकाल दूंगा। और ये भी देखिए ये जुगाड़ इस तरह निकालने के लिए, इस तरह ये मुड़ा हुआ था तो मैंने इसे डिजाइन कर लिया, उसको केवल फिनिशिंग करना था। उसका शॉर्ट वीडियो मैं दूंगा जिसमें कैसा था ये वुड और किस में से मैंने ये बनाया है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रैच कर लेता हूँ।
तो हमारे नए टूल से हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारे रूट्स हैं, उसको मैं इस तरीके से काट के निकाल सकता हूँ दोस्तों, ऐसे करके। देखिए ये आसानी से कट हो रहा है क्योंकि मैंने उसको रेजर शार्प बना लिया है। अगर ये थोड़े खराब भी होता है तो किसी स्टोन से मैं घिस लूँगा जिससे ये हो जाएगा। ये कटिंग एज है, उसी से बड़ी अच्छी तरीके से हम इस तरीके से कट कर सकते हैं सभी रूट्स, बहुत ही आसान है। तो अगर आप बना सकते हैं तो बिगड़ता है तो उसको फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी से ये सब रूट्स में कट कर रहा हूँ। तो चलिए अब नया सोयल मिक्स हम दे देंगे जिससे उसको नया न्यूट्रिएंट सब मिल जाएगा। तो दोस्तों वराइटियम में भी सभी पत्ते गिर जाते हैं और विंटर में, और फिर विंटर के बाद सब पत्ते नए आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ आ चुके हैं। यहाँ सही से ब्रांच प्लेसमेंट करनी होगी क्योंकि यहाँ मैंने वायर निकाल दिया था। तो ओवरऑल शेप में तो है, हो सकता है बाद में मन बदले तो हम उसको रिडक्शन भी कर सकते हैं, बट उसके फ्लावरिंग के मजे हैं वो लेने होंगे। तो कुछ ही दिनों में यहाँ फ्लावरिंग होगी। तो पूरे अपडेट के साथ मिलेंगे दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।